कि जिस्म अपना हटा दिया मैंने, इश्क को रास्ता दिया मैंने, जिस्म अपना हटा दिया मैंने, इश्क को रास्ता दिया मैंने, आज तो दिल के दर्द पर हंसकर दर्द का दिल दुखा दिया मैंने, आज तो दिल के दर्द पर हंसकर दर्द का दिल दुखा दिया मैंने। मैंने ये चार मिसरे मोहतरम जुबैर अली ताबिश साहब के आप हजरात की जहीन समात के नजर किए। आइए हजरात फिर से एक बार मऊ का सफर किया जाए, जिसने नातिया दौर में आप भरपूर आप हजरात की खिदमत की थी और आप हजरात ने भरपूर तायद फरमाई थी। आइए उस नौजवान से गुजारिश करूं जो आप हजरात को अपने महबूब के कूचों की सैर कराता हुआ सियासत सफाक सियासत के ऐवान में सच बोलने का आईना आप हजरात को दिखाएगा। वो नाम है मोहतरम तनवीर अख्तर मौवी का। आइए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए मोहतरम तनवीर अख्तर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। हाजरीन महफिल फिर एक बार मौका मिला आपके सामने खड़े होने का। शुक्रगुजार हूँ रफीक सरवर साहब का, अतीक पारक साहब का, आजाद अनवर साहब का, रईस सितारा साहब का और सदरे मोहतरम यहिया अब्दुल जब्बार साहब का, जिनकी मोहब्बत में आज मेरी हाजिरी हुई है। बेहद शुक्रगुजार हूँ। यही से चार मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ और तमामी लोगों को शरीक करता हूँ। एक मरतबा आप तालियां बजा के इजाजत दे दे मुझे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, स्टेज को भी शरीक करता हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े भाई नवाब अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं मुशारा पढ़ता हूँ, मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं और जिस मुशारे में उनकी हाजिरी नहीं होती है फिर भी मैं उनका नाम लेता हूँ। उनके साय में मैं हमेशा 24 घंटा रहता हूँ। हिंदुस्तान के बाहर कई कंट्री में मैं जा चुका हूँ बिजनेस लाइन से, तब भी मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। उनके साय में अपने आप को महफूज समझता हूँ। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। देखिए नवाब भाई बिजनौर से आए, अब यहाँ आप हजरात एक मरतबा नवाब अख्तर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप हजरात। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि छोटा भाई माइक यूसुफ दाऊद साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमारे डाइस पर तशरीफ ले। मेरे बड़े भाई चीफ गेस्ट की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करो कम है। यही से चार मिसरा पेश करने की कोशिश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। के खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो। क्या इंतखाब किया भाई, थोड़ी सी बेदारी आपको, थोड़ी सी तवज्जो। जिस तरीके से आपने नाते पाक सुनी, आपने सुभान अल्लाह कह के मेरा हौसला बढ़ाया, अब यहाँ से तालियां बजा के और अपनी जबान से जो भी लफ्ज निकले वाह वाह का, आप मुझे हौसला दे, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बताओ खुब बहती गए, खुब बहती गए, खुब बहती गए अमन की गंगा बहने दो। मत फैलाओ मत फैलाओ मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। फैलाओ देश में दंगा रहने दो। खूब बहती गए, खूब बहती गए, खूब बहती गए अमन की गंगा बहने दो। मत फैलाओ मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल घर में मत बांटो तुम ऐ लोगों, लाल घर में मत बांटो तुम ऐ लोगों, लाल घर में मत बांटो तुम ऐ लोगों। मेरे छत पर, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। वाह 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 मेरे छत, अरे वाह 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 मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। ये कौमी यकजहती है हमारी। वाह जी मैं पढ़ूंगा लेकिन ऐसे नहीं, आप तालियां बजा के इजाजत दो। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूँ बतरे खास मुलाजा करें। कि खूब बहती गए, खूब बहती गए, खूब बहती गए अमन की गंगा बहने दो।
मत फैलाओ मत फैलाओ, देश में दंगा रहने दो। लाल घर में मत बांटो तुम ऐ लोगों, लाल घर में मत बांटो तुम ऐ लोगों। मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। क्या कहने, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। वाह वाह, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। एक बार तालियां बजा दे आप। चार मिसर और हाजिर करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सीएबी और एनआरसी को लेकर। लोग पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एहतजाज प्रदर्शन कर रहे हैं। इन जालिमों से कह दो कि मुसलमान को जगाने की कोशिश न की जाए। कसम अगर वाकई मुसलमान जाग गया तो जालिमों के घर में घुस घुस के कोहराम मचा सकता है। यहीं से चार मिसर हाजिर करता हूँ। क्या कहना, पढ़ता हूँ शरीक हो जाए कि मुद्दत से जो सोए हैं वो शेर जगा देंगे। बस थोड़ी जी तो जो आपसे चाहता हूँ पढ़ो कि मुद्दत से जो सोए हैं, मुद्दत से जो सोए हैं वो शेर जगा देंगे। नामोस रिसालत पर हम जान लुटा देंगे। मुद्दत से जो सोए हैं वो शेर जगा देंगे। नामों से रिसालत पर हम जान लुटा देंगे। शरीक हो जाए सिर पर कि ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें हल्के में न लो हमको। आगे से लेकर पीछे तक एक एक शख्स को शरीक करता हूँ सिर पर कि ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें हल्के में न लो हमको। ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें हल्के में न लो हमको। पल भर में जहां में हम कोहराम मचा देंगे। पल भर में वाह 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 वाह। ये देखिए सदर मौसूफ मोहतरम यहया अब्दुल जब्बार साहब भी अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जनाब तनवीर अख्तर साहब को और मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ नवाब अख्तर साहब को। बहुत अच्छे तनवीर। फिर पढ़ूं? आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, नौजवान हैं। पूरी जोर से आप तालियां बजाएं कि सालिमों के कान फट जाएं। बजाएं पीछे वाले भी बजाएं। आप जितने लोग हैं पढ़ता मुलाजा करें कि मुद्दत से जो सोए हैं वो शेर जगा देंगे। नामों से रिसालत पर हम जान लुटा देंगे। हल्के में न लो हमको। ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें हल्के में न लो हमको। पल भर में जहां में हम कोहराम मचा देंगे। पल भर में जहां में हम कोहराम मचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन ग्रामी। देखिए अतीक पारस साहब और जितने भी अरकिन कमेटी के जितने हजरात सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और उस खूबसूरत महफिल में आग भी चमक रहे हैं तनवीर की तरह। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इस पूरे महफिल में सबसे खूबसूरत कौन है। तो मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे महफिल में सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो वो तनवीर अख्तर है। इसलिए कि खूबसूरत चीज को देखी जाती है और इस वक्त आपकी नजर मेरे ऊपर है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ। और मेरी नजरों में अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो मेरे बहुत ही करीब दोस्त जमील अख्तर जैतपुरी साहब है। यहीं से एक मतलब पेश करता हूँ, इनकी नजर करता हूँ बतौर खास मुलादा करे। खासतौर नौजवानों आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजाए जमील अख्तर साहब के लिए। एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास कि सुनो जाने जाना। सुनो जाने जाना कि सुनो जाने जाना जाना। शरीक होंगे शेर पर सिर्फ एक ही मतलब पढ़ रहा हूँ कि सुनो जाने जाना।
गजब लग रही हो। लग रहे हैं, लग नहीं रही है। समझ इशारा समझिए, ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को भी आप इशारा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि चमेली भाई हैं। कि सुनो जाने जाना जाना, सुनो जाने जाना, गजब लग रही हो, हंसी लग रही हो, कवल लग रही हो। सुनो जाने जाना जाना, सुनो जाने जाना, गजब लग रही गो, हंसी लग रही गो, कबल लग रही गो, कबल लग रही गो। अदाए कयामते, अदाए कयामते, निगाहें शराबी मुकम्मल हमारे, गजल लग रही गो। वाह 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 वाह, मुकम्मल हमारी गजल लग रही हो। वाह 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 वाह, अरे क्या काफिया नज्म किया भाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह 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 वाह, बस बस बस। वाह 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 वाह, मुकम्मल हमारी गजल लग रही हो। क्या मैं पढ़ूंगा, बस आप तालियां बजाते रहे मेरे लिए। कि सुनो जाने जाना, सुनो जाने जाना जाना, सुनो जाने जाना, गजब लग रही गो, हंसी लग रही गो, कवल लग रही हो। अदाए कयामते, निगाहें शराबी मुकम्मल हमारी, गजल लग रही हो, गजल लग रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चार मिसरा यहीं से और हाजिर करता हूँ, इधर के जितने भी हजरात बैठे, एक बार तालियां बजा आप भी। पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि सबका खाना खराब कर देगा, सबका खाना खराब कर देगा, कि सबका खाना, सबका खाना, सबका खाना खराब कर देगा, जिंदगी को अजाब कर देगा, सबका खाना खराब कर देगा, जिंदगी को अजाब कर देगा, उसको पानी, उसको पानी, उसको पानी में मत ना आने दो, उसको पानी, उसको पानी, उसको पानी में मत नहाने दो, उसको पानी में मत नहाने दो, क्यों कि पूरा पानी शराब कर देगा, पूरा पानी, पूरा पानी शराब कर देगा। वाह 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 वाह, कि पूरा पानी शराब कर, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई। वाह वाह, कि सबका खाना खराब कर देगा, और जिंदगी को अजाब कर देगा, उसको पानी, उसको पानी में मत नहाने दो, उसको पानी, उसको पानी में मत नहाने दो, उसको पानी में मत नहाने दो, पूरा पानी शराब कर देगा। चार मिसरा और हाजिर करता हूँ, और पढ़ूं जी, फिर पढ़ूं तो तालियां बजा के इजाजत दे, कि सबका खाना खराब, वाह वाह वाह, जिंदगी को अजाब कर देगा, उसको पानी में मत नहाने दो,
उसको पाने उसको पाने में मत नहाने दो, अब पूरा पानी शराब कर देगा। मेरी बड़ी बाजी आज साइस्ता सना साहिबा और हाजरा साहिबा की मुझे अपनी दुआओं से नवाज रही है। चार मिसरा अब्दुल यहिया जब्बार साहब के हवाले पेश करता हूँ, बतौर खास मलाजा करें कि दोनों तरफ है आग न पानी की बात कर, और हम तो जवां गए हमसे जवानी की बात कर। दोनों 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 तरफ है आग न पानी की बात कर, हम जवागे हमसे जवानी की बात कर, जवानी की बात कर। ऐ नरगिसे जहान परी आसमान की, ऐ नरगिसे जहान परी आसमान के, परी आसमान के, परी आसमान के, अरे बेला का फूल मैं हूँ तू रानी की बात कर। बेला का फूल मैं हूँ तो रानी की बात कर, वाह 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 वाह। बेला का फूल मैं हूँ तो रानी की बात कर। अच्छा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। गजल के चंद अशआर और पहुँचाने, क्योंकि मुझे अब लग गया कि किस तरह की शायरी सुनने, लेकिन अब जो लब रुखसार के मैंने आपके पास जो भी कलाम पेश किया, एक कलाम और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद एक हिंदुस्तान पे एक गीत मैं पढ़ूंगा। मैं हाँ रात भर पढ़ूंगा। देखिए रात भर अगर तनवीर अख्तर से पढ़ा लेंगे तो मोहतरमा साइस्ता सना को आप कब सुनेंगे? और मोहतरमा मोहतरमा भी देखिए वो एक नाम जो है ना हाजरा नूर जरियाब साहब, और मोहतरम जुबेर अली ताबिश साहब को आप हजरात को सुनना है, तो जरा पूरे मजमे से मिलके जोरदार तालियां बजाइए तनवीर अख्तर साहब के लिए। देखिए दोस्तों एक मतला चंद शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, यहाँ सिर्फ नौजवान नहीं बाकी सारे लोग जिनके सीने में दिल है सब लोग नौजवान है। आइए आप जितने भी आगे से लेकर नौजवान है बुजुर्ग है बूढ़े हैं सब लोग तालियां बजा दें। मतला पेश करता हूँ मिलादा करें कि ऐ जाने वफा मुझको तड़पाओ न तुम इतना, सुने अतीक पारस साहब और रफीक सरवर साहब और अनवर साहब बता रहे खास मिलादा करें कि ऐ जाने वफा मुझको तड़पाओ न तुम इतना, ऐ जाने वफा, ऐ जाने वफा मुझको तड़पाओ न तुम इतना, ऐ जाने वफा मुझको तड़पाओ न तुम इतना, ऐ जाने वफा मुझको तड़पाओ न तुम इतना, कुछ मुझ पे तरस खाओ तरसाओ न तुम इतना, कुछ मुझ पे तरस खाओ कुछ मुझ पे तरस ना, कुछ मुझ पे तरस खाओ तरसाओ न तुम इतना। अब एक शेर मचलने वाला पढ़ने जा रहा हूँ, अब देखता हूँ कितने नौजवान यहाँ मचल के दिखा रहे हैं। देखिए नौजवान के साथ साथ बुजुर्ग भी मचल सकते हैं, इसलिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद नौजवान हूँ, हूँ ना मैं नौजवान, आप भी नौजवान हैं तो सबूत दे आप तालियां बजा के कि बाहों से मेरी या कर। वाह वाह, ये अपने महबूब को भी शेर सुना सकते हैं जो आपका महबूब है। अतीक पारस साहब जमील भाई बतौर खास मिलादा करें कि बाहों से मेरी या कर एक बार लिपट जाओ, मेरी आकर एक बार लिपट जाओ, बाहों से मेरी आकर एक बार लिपट जाओ, बाहों से मेरी आकर एक बार लिपट जाओ, बाहों से मेरी आकर एक बार लिपट जाओ, और हम भी तो तुम्हारे हैं शर्माओ न तुम इतना, हम भी तो तुम्हारे हैं
शर्माओ न तुम मितना। अतीक बारा साहब आपकी जवानी देख के एक शेर याद आया मुझे, शेर 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 हाजिर करता हूं और रफीक सरवर साहब क्योंकि इन लोगों का मैं बहुत चाहता हूं, मुझे बहुत मानते हैं अब्दुल इया जब्बार साहब और रफीक सरवर साहब, अनवर साहब, अतीक पार साहब, लेकिन एक शेर, हाँ मैं नौजवान कहा हूँ लेकिन देखिए कि फितरत है ये सूरज की, फितरत है ये सूरज की हर शाम को ढल जाना, वाह 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 वाह, कि फितरत है ये सूरज की हर शाम को ढल जाना, फितरत है ये सूरज के हर शाम को ढल जाना, फितरत है ये सूरज के हर शाम को ढल जाना, दो दिन की जवानी है, दो दिन की जवानी है, पल खाओ न तुम इतना, दो दिन की दो दिन की जवानी है बल खाओ। देखिए इसरार सेठ साहब भी नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया मोहतरम इसरार सेठ साहब का। खाओ न तुम इतना। आप जितने भी स्टेज पे शोरा तशरीफ रखते हैं शायरा मक्ता पेश करता हूँ और खास तौर से मक्ते पे उनको शरीक करता हूँ, सुनेगा मक्ता मुलाजा करें कि मैं मीर नहीं अख्तर अदना सा सुखनवर हो, अहले स्टेज थोड़ा सा बेदार हो जाए मेरे मकरे 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 कि मैं मेरी नहीं अख्तर अदना सा सुखनवर हो, मैं मेरी नहीं अख्तर अदना सा सुखनवर हो, मैं मेरी नहीं अख्तर अदना सा सुखनवर हो, ऐ अहले कलम मुझसे, ऐ अहले कलम मुझसे घबराओ न तुम इतना। वाह देखिए साहब ने एजाज जहीर अकमल साहब भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, मुशायरा सरपरस्त आजाद अनवर साहब भी अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, ये मुबारकबाद है। देखिए दोस्तों एक गीत मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन जिस तरह आपने लबो रुखसार की बातें सुनी इस गीत को भी उसी तरह सुनना है आप लोगों को, सुनेंगे तभी मैं पढ़ूंगा कि आज इस वक्त पूरा हिंदुस्तान परेशान है, अपने अपने मसले अपने अपने हक की लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे हैं। जहां हमें पढ़ाया जाता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है लेकिन आज बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हाँ वो चाही वाला है लेकिन हमें उसी हिंदुस्तान को दोबारा फिर से देखना है। आप लोग देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के नाम पे आप जोरदार तालियां बजाओ, सबूत दे कि हम हिंदुस्तानी हैं। यहाँ से मुखड़ा हाजिर करता हूँ, बता रहे खास मुलाजा करें कि मोहब्बत प्यार एक जहती का ये गुलदान हो जाए, जैसे मिश्रा आप तक पहुँचे आप सबूत दे कि हम हिंदुस्तानी हैं, वही हिंदुस्तानी उसी हिंदुस्तान को आप देखना चाहते हैं। अहले स्टेज को शरीक करता हूँ, मुखड़ा हाजिर करता हूँ कि मोहब्बत प्यार एक जहती का ये गुलदान हो जाए, मोहब्बत प्यार एक जहती का ये गुलदान हो जाए, मोहब्बत प्यार एक जहती का ये गुलदान हो जाए, और वही सोने की चिड़िया फिर से हिंदुस्तान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप थोड़ा बेदारी का सबूत दे तालियां बजा दे फिर से मैं हाजिर करता हूँ। बता रहे खास मुलाजा करें कि मोहब्बत प्यार एक जहती का ये गुलदान हो जाए, फिर से दोबारा आपको शरीक करता हूँ इस मामले पे कि मोहब्बत प्यार एक जहती का ये गुलदान हो जाए,
मोहब्बत प्यार यक जहती का ये गुलदान हो जाए। वही सोने वही सोने की चिड़िया फिर से हिंदुस्तान हो जाए। पहला बन अहले स्टेज की नजर करता हूँ, अब तमाम सामईन को शरीक करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि गुलों में रंग भरने के लिए मेरा लहू ले लो। गुलों में रंग भरने के लिए मेरा लहू ले लो। कि गुलों में रंग भरने के लिए मेरा लहू ले लो। वतन की ज़ेब ज़ीनत के हर किशे को बिरो ले लो। अगले मिसरे पर आपको शरीक करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि गुलों में रंग भरने के लिए मेरा लहू ले लो। वतन की ज़ेब ज़ीनत के हर किशे को बिरो ले लो। किसी तरह से पूरा दिल का ये अरमान हो जाए। किसी तरह से पूरा दिल का ये अरमान हो जाए। और वही सोने की चिड़िया फिर से हिंदुस्तान हो जाए। वही सोने चिड़िया से हिंदुस्तान हो जाए। वो हिंदुस्तान की चमक 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 वो हिंदुस्तान की महक महक इस बंद में आपको मिलेगी। मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि हमारे कागजी फूलों में फिर से वो महक दे दे। और लगे कि शेर में सच्चाई है तो शरीक हो जाए। अच्छा पढ़ रहे भाई। कि हमारे कागजी फूलों में फिर से वो महक दे दे। जमीन के जर्रे जर्रे में सितारों की चमक दे दे। जमीन के जर्रे जर्रे में सितारों की चमक दे दे। निराली दो जगह में उसकी फिर पहचान हो जाए। और वही सोने की चिड़िया फिर से हिंदुस्तान हो जाए। वही सोने चिड़िया फिर से हिंदुस्तान हो जाए। हमें मदरसों में और स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। कहाँ गई वो प्यार मोहब्बत, कहाँ गई वो भाईचारगी। कुर्सी पे बैठने वालों ने तो इन सब भाइयों में जहर घोल के रख दिया है। एक बंद हाजिर करता हूँ, शरीक हो जाए। शेख बंद करें कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते थे। वाह वाह वाह। अगला शेर आप तक पहुँचने जैसे आप तक पहुँचे आपकी दाद आपकी तालियां तनवी रखकर अपने दामन में रखना चाहता है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें और खास तौर से अपने बड़े भाई नवाब अख्तर साहब की दुआएं लेता हूं और दिगर शुरा इकराम को शरीक करता हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते थे। मोहब्बत से ये एक दूजे को अपना भाई कहते थे। मोहब्बत से ये एक दूजे को अपना भाई कहते थे। दिलों से खत्म नफरत का हर एक तूफान हो जाए। दिलों से खत्म नफरत का हर एक तूफान
हो जाए वही सोने की चिड़िया फिर से हिंदुस्तान हो जाए फिर से हिंदुस्तान हो जाए। मक्ता पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ कबूल कर ले और एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत दे यही मक्ता पेश करके फिर आपसे जुदा होना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि अख्तर पंजे जुल्मो सितम को मोड़ देंगे हमें गलत फहमी है दुश्मन की कि यूं ही छोड़ देंगे हमें शरीक हो जाए पढ़ता कि अख्तर पंजे जुल्मो सितम को मोड़ देंगे हमें गलत फहमी है दुश्मन की योगी यूं ही छोड़ देंगे हमें फिदा अपने वतन के वास्ते ये जान हो जाए फिदा अपने वतन के वास्ते ये जान हो जाए वही सोने वही सोने की चिड़िया फिर से हिंदुस्तान हो जाए।